गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। आज हम करने वाले हैं जो चैप्टर हमने ऑपरेट कर रखा था, पंचायती राज सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, उसका पार्ट करते हैं द प्राइमरी। मैं कल सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा रहा था आपको। जो सेक्रेटरी की जॉब होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। द प्राइमरी जॉब ऑफ द सेक्रेटरी इज टू कॉल द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा की मीटिंग जो है सेक्रेटरी बुलाता है एंड द ग्राम पंचायत, ठीक है, अलॉन्ग विद द कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द विलेज मीटिंग एंड प्रोसीडिंग। उसके पास सारे विलेज मीटिंग्स के रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी मीटिंग्स होती हैं, और उसकी कार्रवाई भी वही करता है, ठीक है। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर। जो ग्राम सभा है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इन मेकिंग द ग्राम पंचायत बनाने में जो ग्राम सभा है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या एक चाबी के रूप में है। प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल, और वह उत्तरदायी भी होती है और अपने कार्यों का कार्यान्वयन भी करती है। द ग्राम सभा इज द प्लेस इन अ विलेज वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत कंसर्निंग द विलेज आर प्लेस बिफोर द विलेजर्स। जो ग्राम सभा होती है एक ऐसी जगह होती है इन अ विलेज वेयर ऑल प्लान्स, जितने भी प्लान्स होते हैं, ठीक है, जितने भी योजनाएं होती हैं, प्लान मतलब योजनाएं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, ठीक है, गांव से संबंधित, तो फॉर द वर्क, कार्य करने के लिए ऑफ द ग्राम पंचायत कंसर्निंग द विलेज आर प्लेस बिफोर द विलेजर्स। वो ग्रामीण, ये जो ग्रामीण होते हैं उनके सामने पहले वो योजनाएं जो हैं रखी जाती हैं ग्रामीणों के सामने, ठीक है। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जो ग्राम सभा होती है रोकती है द पंचायत को फ्रॉम डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, गलत कार्य करने के लिए और मिसयूज़ करने के लिए, किसका, पैसे का, जो मिसयूज़ ना करे, ठीक है, और फेवरिंग द सर्टेन पीपल, या फिर किसी एक व्यक्ति का जो है फेवर ना ले, ठीक है, या किसी एक व्यक्ति का फेवर ना ले, सर्टेन पीपल इन द विलेज एंड अदर्स, ठीक है। तो ग्राम सभा ऐसे करती है, प्रिवेंट करती है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है, प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट चला जा सकता है, महाभियोग चला जाता है, उसी तरह से प्रधान, ग्राम प्रधान पर भी महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है, उसे उसके पद से हटा सकते हैं। देयरफोर द ग्राम सभा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसलिए जो ग्राम सभा होती है, द ग्राम सभा प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, वेट एक मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, देयरफोर यही था हमारा, देयरफोर द ग्राम सभा प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ग्राम सभा एक तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान होता है रिप्रेजेंटेटिव एक ग्राम पंचायत का, तो वो जो है मिसयूज ना करे पैसे का, इत्यादि चीज़ों पर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है आपके लिए। विलेज वार्ड्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू विलेजर्स हु इलेक्टेड देम। और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल करती है, क्या रिस्पॉन्सिबल, किन के प्रति रिस्पॉन्सिबल करती है, विलेजर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल करती है, किन को रिस्पॉन्सिबल करती है, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जैसे ग्राम प्रधान, ठीक है, इत्यादि को रिस्पॉन्सिबल करती है विलेजर्स के प्रति, जिन्हें उन्हें जिन लोगों ने उन्हें चुना है, ठीक है, इलेक्ट किया है। आगे चलते हैं द ग्राम पंचायत, देखते हैं ग्राम पंचायत क्या है। स्टूडेंट्स, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजर्स दैट कम अंडर इट। जो ग्राम पंचायत होती है मीट्स रेगुलरली, यानी निश्चित समय अंतराल के बाद ये लोग मीटिंग रखते हैं, जो टास्क होते हैं देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, जो टास्क रखे गए हैं, जो कार्यों का जो है कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं है, जो डेवलपमेंट है, विकास कार्य है, जो विकास कार्य के जो प्रोग्राम्स हैं वो ठीक से संचालित रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, विलेजर्स दैट कम अंडर इट, ठीक है, जो ग्रामवासी जो विकास कार्यों के अंतर्गत आते हैं क्या उनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ ग्राम पंचायत का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूँ आपको, जो भारत में जो है सर्वप्रथम जो पंचायती राज राजस्थान के नागौर से जो है लागू हुआ था, राजस्थान का एक नागौर डिस्ट्रिक्ट है,
और जो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 में जो है लागू हुआ। ठीक है, पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पंचायती राज के लिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आप जानते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, इस तरह से इनका गठन किया गया था। आगे चलते हैं स्टूडेंट और अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, ये हमारी अगली स्लाइड है, एंड कलेक्टिंग द लोकल टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। और ये भी देखते हैं कि जो विलेजर्स से जो है लोकल टैक्सेस कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एक स्लाइड हमने मिस कर दी थी, चलिए उसे ले लेते हैं। इसी स्लाइड का था, हमने नेक्स्ट वाला पेज देख लिया। देखिए यहीं से, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के वर्क को जो है ग्राम सभा अप्रूव करती है, सभी जानते हैं। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का कार्य भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज कमिटीज सर्व एज अ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। ये जो कमिटी होती हैं, ये जो समितियां होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, एक संगठन के रूप में कार्य करती हैं। दैट वर्क टुगेदर विद द ग्राम सभा मेंबर्स, जो कि ग्राम सभा मेंबर के साथ एक साथ मिलकर काम करती है। आर अप्रूव्ड बाय द ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत के थ्रू अप्रूव्ड होती हैं। ठीक है, अब ठीक है बच्चों। एंड कलेक्टिंग द लोकल टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स, और गाँव से जो विलेजर्स होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उनसे लोकल टैक्सेस को वसूल करती है। ठीक है, जो कर होते हैं, ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं। आगे चलते हैं। अगर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ग्राम पंचायत ऑल्सो इंक्लूड एग्जीक्यूटिव, देखते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत देखते हैं क्या है। एक्सक्यूटिंग द गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उन्हें लागू करवाना होता है। दैट आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को जो है जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, अमॉन्ग द पीपल ऑफ द विलेज, गाँव के लोगों में। ठीक है, जैसे आपको एक बता दूँ, जैसे मनरेगा है, मनरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। ठीक है, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, ठीक है, महात्मा गांधी। अब मनरेगा के अंतर्गत जो है ग्रामीणों को जो है 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स जो हैं ग्राम पंचायत लगाती है। इन द केस ऑफ द हरदास ग्राम पंचायत, एक हम लेते हैं हरदास ग्राम पंचायत का केस ले रहे हैं। द मीटिंग वॉज हेल्ड प्राइमरली फॉर द वाटर क्राइसिस दैट वॉज फेस्ड बाई द पीपल ऑफ दैट विलेज। मीटिंग जो है नॉर्मली करी जाती है कि जो पानी की कमी आ रही है, जो लोग जो है पानी की कमी कर रहे हैं ग्राम सभा में, उसके लिए एक मीटिंग की गई। द ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन, पहले जो सजेशन लिए गए, लोगों की राय ली गई ग्राम पंचायत जो मेंबरों की, टू डिपेंड दैट टू हैंड पंप्स दैट आर बीइंग यूज बाय द विलेजर्स, दो हैंड पंप जो गांवों के लोगों द्वारा यूज करे जा रहे हैं एवरी डे टू पंप वाटर फ्रॉम देयर हाउसेस, अपने घरों तक जो है पानी ले जाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से डिस्कशन किया गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना करना, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके बारे में आपने ये बताना है कि जो अनुसूची कौन सी थी जिसके अंतर्गत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था, जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, थैंक यू।